भाजपा के नए मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति समारोह मुमताज पैलेस सूरजपुर में आयोजित किया गया, जिसमें संगठन द्वारा नियुक्त चुनाव प्रक्रिया प्रभारी टेकचंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि क्षेत्र के विधायक रीता धीमान व गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक खास तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। भाजपा के नए मंडलाध्यक्ष की नियुक्ति समारोह मुमताज पैलेस सूरजपुर में आयोजित किया गया, जिसमें संगठन द्वारा नियुक्त चुनाव प्रक्रिया प्रभारी टेकचंद बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए, जबकि क्षेत्र की विधायक रीता दीवान व गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक खास तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वे संगठन द्वारा मंडलाध्यक्ष पद के लिए मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवान सिंह का नाम पेश किया गया, जिसमें उपस्थित सभी बूथ अध्यक्षों, बूथ पालकों व चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मनोनीत सदस्यों व सर्वसहमति से बलवान सिंह के अध्यक्ष पद के प्रस्ताव पर हामी भरी। इस अवसर पर नव निर्वाचित मंडलाध्यक्ष बलवान सिंह ने कहा कि वे सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। इस अवसर पर प्रभारी टेकचंद ने बताया कि बलवान सिंह शीघ्र ही अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इससे पहले घनश्याम संब्याल ने पूर्व मंडल कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की। नौरा मंडल से मुझे सर्वसम्मति से मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है और हमारा प्रयास रहेगा सभी को साथ लेकर पार्टी के प्रचार के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। जो हमारे कार्यकर्ता हुनरवार कार्यकर्ता हैं, जब प्रतिष्ठावान कार्यकर्ता हैं, घरों में बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी साथ लेकर हम चलेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा।